नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवगछिया में शार्प शूटरों ने कुख्यात अपराधी खोखा सिंह को उतारा मौत के घाट। इलाके में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। भारी मात्रा में हथियार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। तख्ता पलट की कोशिश में नाकाम पार्षद एक बार फिर हुए गोलबंद। बैठक कर निगम प्रशासन के खिलाफ बगावत का किया ऐलान। शराबबंदी के बावजूद नहीं थम रहा है शराब का काला कारोबार। जिले के दो थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। और नवीन अनुसंधान और डेटा विश्लेषण पर राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। कई राज्यों के वैज्ञानिक हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। नवगछिया के कदुआ ओपी क्षेत्र के गोला टोला के समीप अज्ञात मोटरसाइकिल सवार शूटरों ने एकाएक हमला कर कोशी दियारा के कुख्यात अपराधी पचगछिया निवासी खोखा सिंह की हत्या कर दी। बता दें कि गोली खोखा सिंह को लगने के बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी में खोखा के साथ चल रहा उसके चचेरे भाई रंजीत सिंह भी घायल हो गए हैं। रंजीत को हाथ में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही कदुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खोखा सिंह को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि खोखा सिंह अपने चचेरे भाई रंजीत सिंह के साथ कदुआ मिलन चौक घूमने गया था, जहां से वापस आने के क्रम में गोला टोला के समीप काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार तीन अपराधियों ने खोखा पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 5 से 6 चक्र फायरिंग करने के बाद अपराधी 0 माइल की तरफ भाग गए। घटना को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पुलिस पदाधिकारियों को अपराधियों की अति शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया है। नवगछिया पुलिस ने 0 माइल से 20 पिस्टल के साथ दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बेगूसराय निवासी सोनू आलम और मुंगेर निवासी अरविंद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों तस्करों के पास से 20 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल एवं 20 बैरल 7.65 mm 0.31 पाइप बोर की 4 जिंदा कारतूस समेत 20,000 रुपए के साथ एक स्मार्टफोन बरामद किया है। मामले को लेकर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि बरामद किए गए पिस्टल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, बस फिनिशिंग बाकी थी। एसपी ने बताया कि पूछताछ के क्रम में दोनों तस्करों ने पिस्टल मुंगेर से बेगूसराय ले जाने की बात स्वीकारी। हथियारों की डिलीवरी नवगछिया में करनी थी। एसपी ने कहा कि दोनों से पूछताछ के जरिए हथियारों के एक बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट की जानकारी मिली है, जिसके सदस्य नवगछिया में भी हैं। साथ ही एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और 0 माइल पर ही इसे गिरफ्तार किया गया। दो गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 20 जो सामने डिस्प्ले है ये अर्धनिर्मित लगभग निर्मित है, तो फिनिशिंग होना बाकी था। 20 पीस एक्टिवेट पिस्टल विथ बैरल और 20,000 नगद रुपया, 4 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल बरामद हुआ है। भागलपुर नगर निगम में मेयर सीमा शाह और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षद एक बार फिर एकजुट हो गए। वहीं निगम की सियासत में तख्ता पलट की कोशिश में नाकाम पार्षदों ने अब विकास के मुद्दे पर निगम प्रशासन के विरोध में हल्ला बोल की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर आज हुसैनाबाद में करीब 2 दर्जन से अधिक पार्षदों ने वार्ड नंबर 43 की पार्षद अरशदी बेगम के आवास पर आपात बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में लिए गए निर्णय के बाद निगम का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ सकता है। बुधवार को हुई बैठक में वार्ड नंबर 32 के पार्षद हंसल सिंह, 21 के संजय सिन्हा और 27 के पार्षद उमर चांद ने गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर निमंत्रण कार्ड नहीं छपने, कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण नहीं होने के साथ निगम के बजट में सुझाव की चिट्ठी प्राप्त नहीं होने पर आपत्ति जताई है। वहीं पार्षदपति मोहम्मद सोनू, मेराज और संजय ने कहा कि गर्मी आने वाला है, लेकिन निगम के अधिकारी शहर में पानी की समस्याओं को लेकर बेखबर हैं, जिसे जगाने के लिए निगम प्रशासन का घेराव किया जाएगा। इस दौरान एक पार्षद ने मेयर सीमा शाह द्वारा पूर्व लेखा शाखा प्रभारी नंदू झा से आय व्यय योजना की राशि का ब्यौरा मांगने का भी मामला उठाया। बैठक में पार्षदों ने कहा कि कोरोना काल में नगर निगम के अधिकारियों ने
मास्क वितरण, सैनिटाइजर और गली मोहल्ले में बांस बल्ला लगाने के नाम पर 8 करोड़ रुपए की राशि का दुरुपयोग किया है। इधर कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम की ओर से उन्हें नई योजनाओं की जानकारी नहीं दी जा रही है और योजना मद एवं स्टाफ ड्यूटी का पैसा विकास कार्य के बजाय वेतन मद में खर्च किया जा रहा है, जिसके विरोध में सभी वार्ड पार्षद जद आंदोलन शुरू करेंगे। हम लोग 51 वार्ड को में कैसे विकास हो, उसी के लिए हम लोग आज मंथन कर रहे हैं। माननीय पार्षद संजय सिन्हा जी के नेतृत्व में हम लोग बैठे हैं और विकास की गति कैसे आगे बढ़े और नगर में कैसे विकास हो 51 वार्ड में, उसी पे हम लोग आज गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। अभी हम नगर निगम गए थे, नगर निगम में जगदीशपुर वीडियो खुद चल करके आए थे वृद्धा पेंशन का। उनके यहाँ 15 दिन से वो मांग रहे हैं कि हमको टोटल फाइल दीजिए और वहाँ नगर निगम का ये दुर्भाग्य है कि गरीबों का जो भी जाँच करके तहसीलदार रखे हुए हैं वो उसी तरह पड़ा हुआ है, वो घूम घूम के जा रहे हैं। देखिए, विकास के मुद्दे पर अब हम लोगों का भी चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है। जब चुनाव के समय में हम लोग अपने मतदाता के पास अपना मत मांगने जाएंगे, वह पूछेगा हम लोगों से कि भाई आपने इस बार अपने वार्ड में क्या विकास किया, लेकिन मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं। जगदीशपुर पुलिस ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है, साथ ही वैन के चालक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर जगदीशपुर पुलिस ने वाहन का पीछा कर बैजानी स्थित पेट्रोल पंप के निकट वैन को रोक कर उसकी तलाशी ली, जिसमें खाद के बोरे के नीचे छुपा कर रखे गए विभिन्न ब्रांड के 75 कार्टून विदेशी शराब एवं 13 कार्टून बियर को बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने पिकअप के चालक कटिहार जिला निवासी शंकर यादव को गिरफ्तार किया है। ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी में शराब होने की बात उसे मालूम नहीं थी। इधर भागलपुर पीरपैंती पुलिस ने बिहार झारखंड सीमा के रास्ते तस्करी कर ले जा रहे शराब की बड़ी खेप के साथ 2 मोटरसाइकिल जब्त कर 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर पीरपैंती थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टीम बनाकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सहित 6 शराब तस्कर को 151 बोतल देशी शराब व विभिन्न ब्रांडों के 78 बोतल विदेशी शराब के साथ बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार तस्कर की पहचान अकबरनगर निवासी प्रिया विनंदन व नीरज कुमार यादव, घोगा निवासी पप्पू कुमार साह, काली प्रसाद निवासी प्रभाष कुमार व कन्हैया कुमार, मलिकपुर निवासी श्रीकांत मंडल के रूप में हुई है। भागलपुर माड़वाड़ी कॉलेज में आज बहुविषयक नवीन अनुसंधान प्रक्रिया और डेटा विश्लेषण में नई दिशा पर राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। ICSRD की ओर से प्रायोजित सेमिनार का उद्घाटन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉ. संजय कुमार चौधरी, प्राचार्य डॉ. गुरुदेव पोद्दार, डॉ. DN राय, प्रोफेसर जगधर मंडल और टोकेन के डॉ. केतन मिश्रा समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण देश जिस विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में तकनीक का महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस युग में टेक्नोलॉजी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय सेमिनार में आधुनिक तकनीक के अलावा डेटा एनालिसिस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। वहीं आयोजन सचिव डॉ. दीपो महतो ने कहा कि न्यू डायरेक्शन इन मल्टीडिसिप्लिनरी इनोवेटिव रिसर्च प्रोसेस एंड डाटा एनालिसिस विषय पर आयोजित सेमिनार में कई राज्यों के शोधार्थी और युवा वैज्ञानिकों ने भाग लिया है। आज का सेमिनार का सब्जेक्ट है मल्टीडिसिप्लिनरी इनोवेटिव रिसर्च प्रोसेस एंड डाटा एनालिसिस। इस विषय में विभिन्न सब्जेक्ट के जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वे भाग ले सकते हैं और यहाँ पर लिए हैं, और इसमें हम लोग रिसर्च कैसे होता है, उसका डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, आज इसी पर चर्चा बृहत रूप से होगी। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की ओर से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG दर्शन शास्त्र विभाग में वर्ल्ड फिलोसफी डे के अवसर पर वन डे मीट का आयोजन किया गया। वहीं TMBU में दूसरी बार भव्य भारतीय दार्शनिक दिवस मनाए जाने से शिक्षक समेत छात्र छात्राओं और शोधार्थियों में उत्साह दिखा। इस अवसर पर बिहार दर्शन परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रभु नारायण मंडल ने कहा कि वर्ष 2002 से यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा प्रारंभ की और वर्ष 2005 में यूनेस्को सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि प्रत्येक वर्ष दर्शन दिवस नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण कार्यक्रम में बदलाव किया गया।
मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर पीएन मंडल ने हमें क्यों नैतिक होना चाहिए विषय पर विस्तार से अपने विचार प्रकट किए। वहीं आयोजन सचिव प्रोफेसर पूर्णेंदु शेखर ने बताया कि विश्व दर्शन दिवस उन दार्शनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने संपूर्ण विश्व को स्वतंत्र विचारों के लिए स्थान उपलब्ध कराया। हम लोग इस दिवस को मनाकर लोगों को यही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि यह एक आउटडेटेड विषय नहीं है, बल्कि ये फिलॉसफी वास्तव में हर विषय का प्राण है। अगर फिलॉसफी नहीं है तो वास्तव में कोई विषय ही नहीं है। फिलॉसफी को लोगों ने समझ रखा है कि यहाँ पे जो आत्मा ईश्वर सिर्फ इन्हीं सब की चर्चा होती है, लेकिन ध्यान रखें कि फिलॉसफी सिर्फ आत्मा ईश्वर और ये सब नहीं है, कुछ ट्रांसेंडेंटल चीजें नहीं है, बल्कि इसका पूर्ण रूप से वास्तविकता के साथ संबंध है। भागलपुर के सहारा वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से गणतंत्र दिवस को लेकर वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन उप महापौर राजेश वर्मा, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर अनीता चटर्जी समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शहर के डॉक्टर सतीश, डॉक्टर सोनम के साथ कई चिकित्सकों ने वृद्धजनों की स्वास्थ्य जाँच कर उचित परामर्श दिए। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा द्वारा संचालित सहारा वृद्धाश्रम में उमंग बाल दिवस की ओर से वृद्धजनों को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिसकी तमाम अतिथियों ने भी सराहना की। वहीं आयोजन और वृद्धाश्रम की व्यवस्था को लेकर अनीता कौशिक ने कहा कि पूर्व में भी इन आश्रम में संस्था की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ की व्यवस्था बेहतर होने के साथ साथ यहाँ के वृद्धजन भी काफी मिलनसार हैं, जिससे अपनेपन का एहसास होता है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन कई संतान ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के द्वारा की गई सेवा और योगदानों को भुला देते हैं, जिसका परिणाम वृद्धजनों को वृद्धाश्रम में अपनों से दूर रहना पड़ता है। जबकि डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि सहारा वृद्धाश्रम जिले का सबसे बेहतर वृद्धाश्रम है और आगे इसे और बेहतर करने के लिए नगर निगम की ओर से भी प्रयास किया जाएगा। इधर भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने कहा कि वृद्धाश्रम की परंपरा भारत की नहीं रही है, लेकिन समय के साथ लोगों की सोच में आए बदलाव के कारण वृद्धाश्रम आवश्यक हो गई है। इससे पूर्व कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और पौधा देकर किया गया। मौके पर सतीश कुमार, रवि कुमार, अनीता कौशिक समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ह्यूमन राइट्स से अमिता कौशिक, और मैं हर साल पिछले साल भी यहाँ पे प्रोग्राम कराई थी, काफ़ी बहुत अच्छा हुआ था। डीएम साहब भी आए थे, प्रणव कुमार। इस बार किसी कारण डीएम साहब नहीं आ पाए, उनको अप्लीकेशन देने के बाद भी वो बिजी शेड्यूल होने के कारण नहीं आ पाए। तो यहाँ पे डॉक्टर का कैंप हम लोग लगवाए हैं, बहुत सारे डॉक्टर आए, सारे डॉक्टर को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, मीडिया परिवारी को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो कवरेज ले रहे हैं। और यहाँ पे पिछले साल जब मैं आई थी देखी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर देखने के बाद, और बहुत सारी ऐसी बूढ़ी वृद्धा आई जो दिमाग से भी थोड़ा सा ये था, जो संभालना मुश्किल था उनको। तो फिर यहाँ पे जब इस साल मैं आई हूँ, बीच बीच में ऐसे आते ही रहती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आने के बाद उस वृद्धा से मिली तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कि जो किसी को कुछ बोलने पे वो समझती नहीं थी, कपड़ा फाड़ देती थी, सामान फेंक देती थी, तो आज इस वृद्धाश्रम में काफ़ी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छे से ये लोग रखते हैं, एक माता पिता को जैसे रखते हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं पूरे ईमानदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि जब जब यहाँ पर आने के लिए मौका मिला, तब तब पिछले बार जो वृद्ध नए जिसको हम लोगों ने भी लेकर आया, बाहर से भी लोग जो आते हैं, उनके हालत में हर बार एक सुधार, एक सकारात्मक उनकी सोच और उनके रहना रहन सहन का एक अच्छा तरीका देखकर ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि इससे बेहतर वृद्धाश्रम भागलपुर में लोगों को किसी वृद्ध के लिए नहीं हो सकता है। की संस्कृति तो हमें हमेशा सिखाती है कि हम अपने माता पिता, वृद्धजनों, अभिभावकों का पूरा ख्याल रखें, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों वश या कुछ ना कुछ वजह होती है जिससे कि आज वृद्धाश्रम में पूरी सीटें फुल हैं, यानी कि यहाँ पर वृद्धजन रह रहे हैं। तो परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मानवता के नाते किसी संगठन का आगे आना ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मुंगेर में सफिया सराय ओपी के समीप भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर अजफर शमशी पर बुधवार को कुछ अपराधियों ने जानलेवा हमला कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए।
प्रोफेसर शमसी के सिर और पेट में गोली लगने की खबर है। जख्मी प्रदेश प्रवक्ता का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने सिर के पीछे से गोली नहीं निकालने पर बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया है। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश जैन ने कहा कि प्रोफेसर सब प्रदेश प्रवक्ता पर जान लेने की नीयत से हमला हुआ है। प्रदेश प्रवक्ता मुंगेर ITC यूनियन के अध्यक्ष हैं, साथ ही इवनिंग कॉलेज जमालपुर में प्रोफेसर भी हैं। बिहार के DGP ने भी इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया और अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनाब प्रोफेसर अजफर शमसी साहब पर जो अपराधियों द्वारा गोली मारकर घायल किया गया है, मैं इस घटना की पूरी तरह से निंदा करता हूं। साथ ही मैं अपने बिहार प्रदेश मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से बिहार सरकार से मांग करता हूं कि उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री राजद नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने बुधवार को सुल्तानगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयप्रकाश नारायण यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में NDA नेताओं और गठबंधन पर जनादेश की चोरी और सत्ता का अपहरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के रियल मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ने सत्ता की चोरी की है, हमारे उम्मीदवारों को कहीं जानबूझकर तो कहीं धोखाधड़ी से हरा दिया गया। साथ ही उन्होंने घोरघाट से किशनपुर तक बनने वाले मानव श्रृंखला का सुल्तानगंज में रूट तय होने की बात कही। पूर्व सांसद ने कृषि कानून के विरोध में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज देश का किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। वह देश में छल के साथ सत्ता में आए हैं और वही जो है अन्नदाता को ये कह सकते हैं कि अन्नदाता नहीं है, ये पाकिस्तान के हैं, ये जो है विदेश के हैं, अन्न उपजा रहे हैं अपने देश में, हल चला रहे हैं हमारे देश में, ट्रैक्टर चला रहे हैं हमारे देश में, और जो अनाज उपजा के दे रहे हैं हमारे देश में और अन्न का भंडारण कर रहे हैं हमारे देश में, और अगर वाजिब मांग मांगते हैं कि काला कानून वापस ले तो हम विदेशी हो जाते हैं। किसानों के समर्थन में नवगछिया के 33 जीरो माइल चौक से अनुमंडल कार्यालय परिसर तक सैकड़ों की संख्या में महागठबंधन के घटक दलों ने ट्रैक्टर रैली निकाला। ट्रैक्टर रैली का नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, राज्य कमेटी सदस्य पंकज सिंह, प्रखंड सचिव रामदेव सिंह, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी समेत अन्य समर्थकों ने संयुक्त रूप से किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि तीनों काले कानून खेती व किसानी को चौपट कर किसानों को कॉरपोरेट पूंजीपतियों का गुलाम बनाने के लिए है। मोदी सरकार की मंशा देश पर कंपनी राज थोपने की है। भागलपुर में निजी शिक्षण संस्थान का संचालन करने के साथ कोरोना महामारी के दौरान मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले ईशान सिन्हा को शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद भागलपुर समेत देश भर से ईशान सिन्हा को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर भागलपुर CTS पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ईशान सिन्हा को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि भागलपुर CTS पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर का पुरस्कार दिया गया है। इसी को लेकर शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान सिन्हा ने भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य के साथ 3 अन्य पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया।
ईशान सिन्हा ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में यदि पुलिसकर्मियों को बेहतर ढंग से ट्रेनिंग मिलती है तो निश्चय ही पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति समाज और पुलिस व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से भागलपुर CTS को मिला सम्मान इस बात का उदाहरण है। अमरपुर थाना क्षेत्र में बालू घाटों पर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा चलाई जा रही छापेमारी अभियान में तारडी गांव के समीप बालू लदी दो ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जबकि पुलिस वाहन को देखते ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि छापेमारी अभियान में दोनों वाहनों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक अपनी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। जब्त ट्रैक्टर के संबंध में खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान को सूचना देते हुए कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर जगदीशपुर के रेलवे मैदान में बुधवार को क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जगदीशपुर 11 टीम एवं प्रशासन 11 टीम दोनों के बीच मैच खेला गया। जगदीशपुर 11 टीम के कप्तान चंदन सिंह एवं प्रशासन 11 टीम के कप्तान जगदीशपुर के थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार थे। मैच में जगदीशपुर 11 टीम ने टॉस जीतकर प्रशासन 11 को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। इस दौरान प्रशासन 11 टीम ने 120 रन बनाया और जीत पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं सोनू कुमार को मैन ऑफ द मैच दिया गया। भागलपुर बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में मंदिर निर्माण एवं यज्ञ सेवा समिति की ओर से बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित वेदानंद झा ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए समिति की ओर से आगामी 16 मई से भागलपुर के शंकरपुर पंचायत दियारा क्षेत्र में 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर 17 फरवरी को ध्वजारोहण कर तैयारी शुरू की जाएगी। वहीं समिति के उपाध्यक्ष मनीष राज ने कहा कि पौराणिक काल से ही ऋषि मुनियों ने यज्ञ की महत्ता साबित की है, जिससे कई बार महामारी और आपदाओं से विश्व को मुक्ति भी मिली है। उन्होंने कहा कि लंबे अरसों के बाद भागलपुर में बड़े पैमाने पर यज्ञ होगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि यज्ञ स्थली पर बाबा बटुक भैरवनाथ और अनंत दास जी महाराज के मंदिर का भी निर्माण करवाया जाएगा। कई वर्षों से यहाँ पर बड़े यज्ञ का आयोजन नहीं हो पाया है। इस बार हम सभी ने एक समिति बनाकर यज्ञ को करने का बीड़ा उठाया है। महादेव की कृपा से यह जो भूमि है, इसी भूमि पर हम लोग यज्ञ प्रारंभ करेंगे, जो कि 16 मई से प्रारंभ होगा। उसके निमित्त हम लोग 16 फरवरी को हम लोग यहां पर बसंत पंचमी के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। भागलपुर के सेंडिस कंपाउंड परिसर में बुधवार को सोलंकी डिफेंस एकेडमी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल अरविंद झा के नेतृत्व में अभ्यास दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं प्रैक्टिस रन को लेकर एकेडमी के संचालक पूर्व सैनिक रंजीत सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष एकेडमी भारतीय सेना और दरोगा बहाली को लेकर छात्रों के लिए अभ्यास दौड़ का आयोजन करती है। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस रन में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले छात्रों को एकेडमी की ओर से सम्मानित भी किया जाता है। साथ ही कहा कि एकेडमी के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बता दें कि दौड़ संपन्न होने पर निर्धारित समय पर पहुंचने वाले धावक प्रीतम, निराला, शुभम, रवीश और विक्रम को एकेडमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे रंजीत जी हैं, ये हमारे भारतीय सेना के पूर्व कमांडो हैं और ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिसमें जो भागलपुर के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको मोटिवेशन कर करके, उनको फिजिकल ट्रेनिंग दे करके, उनको रिटर्न तैयारी करने के लिए वो करा करके ये चाहते हैं कि अपना ये बच्चे यहाँ के जो हैं भर्ती हों और करें। अंत में चलते चलते एक नज़र फिर से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नवगछिया में शार्प शूटरों ने कुख्यात अपराधी खोखा सिंह को उतारा मौत के घाट, इलाके में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे, भारी मात्रा में हथियार के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। तख्ता पलट की कोशिश में नाकाम पार्षद, एक बार फिर हुए गोलबंद, बैठक कर निगम प्रशासन के खिलाफ बगावत का किया ऐलान। शराबबंदी के बावजूद नहीं थम रहा है शराब का काला कारोबार, जिले के दो थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। और नवीन अनुसंधान और डेटा विश्लेषण पर राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन, कई राज्यों के वैज्ञानिक हुए शामिल। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।